जी हाँ साथियों, फिर से स्वागत है चैनल पर एक और नई जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। आज हम सीखेंगे कि जब विंडोज हम लोगों का एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं, अगर पोर्ट की नहीं होता है तो एक्टिवेट नहीं होता है, तो उसे हम कैसे बिना पोर्ट की का या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के उसको सही कर सकते हैं। बार बार जो वार्निंग देता है वार्निंग को हटा सकते हैं। जैसा कि देख पाएंगे, हम खोल लेते हैं अपना माई कंप्यूटर, यहाँ स्टेटस दिखा रहा है नॉट अवेलेबल प्रोडक्ट की वगैरह जो है, तो ये होगा कैसे, इसके लिए परेशान अपना है, आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आप खोल लीजिए, स्टार्ट पर सर्च कर लीजिए, अगर आपका विंडोज 7 है तो इसमें सर्च कीजिए सर्विस। जैसे सर्विस सर्च करेंगे आपका सर्विस खुल जाएगा। सर्विस को खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। कहाँ है सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन, बस है और ऊपर देखते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन, देखिए यहाँ सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन, यहीं पर डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डाटा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ आपका इनेबल होगा या ऑटोमेटिक होगा, तो इसको मैनुअल होगा, इसको आप डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करके फिर अप्लाई करेंगे, फिर ओके कर देंगे। और दूसरा काम जो करना है, इसको आप करेंगे विंडोज अपडेट। तो विंडोज अपडेट किधर है, विंडोज अपडेट, हाँ देखिए विंडोज अपडेट है। इसको भी उसी तरह से आप यहाँ से डिसेबल कर देंगे। हो सकता है आपका ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो या ऑटोमेटिक स्टार्ट हो, तो इसको आप डिसेबल कर दें। डिसेबल करने के बाद ओके कर देंगे। बस इतना ही काम कर देंगे, आपका जो बार बार वार्निंग देता है या सिस्टम स्लो काम करता है तो सब काम करना बंद कर देगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इस तरह के मज़ेदार जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ एक और नई वीडियो में।